हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्यूटिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसिंग लाइबिलिटी। सो हियर अवर टॉपिक इज इन गैस 102। वी विल डिस्कस ऑप्शन बी को नॉन मार्केटिंग कंडीशंस। सो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन दैट सो बीटल होल्डिंग इन कॉरपोरेशन ग्रांट्स 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 300 एम्प्लॉइज ऑन 1 जनवरी ऑफ करंट ईयर। द एम्प्लॉइज शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एंड शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 1st ईयर। इफ कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज बाय 13% एंड शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। इफ कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज बाय मोर देन 21% ओवर द 2 ईयर पीरियड एंड शेयर्स विल वेस्ट बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर। इफ द एंटिटीज अर्निंग्स इंक्रीज बाय मोर देन 23% ओवर द 3 ईयर पीरियड। तो आपको ये मेंशन किया है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 100 शेयर को 300 एम्प्लाईज, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड आपको मेंशन किए हैं डिफरेंट कंडीशन के बेस पर। तो आपके शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर्स में, यदि आपके अर्निंग्स जो हैं दे इंक्रीज बाय जो भी परसेंटेज आपको दिया है 13%, 21 एंड 23%। यानी कि गिवन गया कि द फेयर वैल्यू पर शेयर और उनका ग्रांट डेट ₹125। यानी कि इन 1st ईयर अर्निंग्स इंक्रीज बाय 9% एंड 20 एम्प्लॉइज लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। अब आप देखिए 1st ईयर में 20 एम्प्लॉइज चले गए हैं पर आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं ओनली 9%। अब कंडीशन वाली 13%। बट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर कंपनी बिलीव्स दैट शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। तो इसमें सब आपका वेस्टिंग पीरियड है वो 2 साल माना जाएगा 1st ईयर के एंड में। एंड कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स गैट एडिशनल 30 एम्प्लॉइज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन द 2nd ईयर एंड गैट 250 एम्प्लॉइज विल रिसीव देयर शेयर्स एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। फिर आपको मेंशन किया है एट द एंड ऑफ 2nd ईयर जब आपका एक्चुअल डेटा आएगा 2nd ईयर में कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज बाय 19%। तो पहले जैसे कि अब आपकी 9% थी 1st ईयर में, अब आपकी टोटल जो अर्निंग्स इंक्रीज हुई हैं बाय द एंड ऑफ 2nd ईयर जिससे 19%, बट हमारी रिक्वायरमेंट है 21%। सो देयर आर फोर द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट ओनली 20 एम्प्लॉइज लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2nd ईयर। कंपनी बिलीव्स एडिशनल 25 एम्प्लॉइज विल लीव इन 3rd ईयर एंड अर्निंग्स विल फर्दर इंक्रीज सो दैट अवर परफॉर्मेंस टारगेट विल बी अचीव्ड इन 3rd ईयर। तो 2nd ईयर में अब हमारा एस्टिमेशन रिवाइज हो गया है दैट वेस्टिंग पीरियड विल बी 3 ईयर्स। फिर आपको 3rd ईयर का डाटा मेंशन किया है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ओनली 22 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूम दैट कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज टू द डिजायर्ड लेवल एंड द परफॉर्मेंस हैज बीन मेट। तो अब आपको डिटर्मिन करना है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। लाइक नंबर 1 एमसीक्यू है डिटर्मिन एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस फॉर 1st ईयर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो डाटा बनाते हैं। पहले आपको मेंशन किया है जिस इज बीटल होल्डिंग इन कॉरपोरेशन। तो इट हैज ग्रांटेड अवर 100 शेयर्स टू 300 एम्प्लॉइज। सो 100 शेयर्स आर ग्रांटेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 300 एम्प्लॉइज। फिर आपको देखो डेटा मेंशन किया है 1st ईयर जिस इज बिगिनिंग ऑफ ईयर, जिस इज एंड ऑफ 1st ईयर, देन इट इज 2nd ईयर एंड देन इट इज 3rd ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सो वट इज अवर कंडीशन। कंडीशन है आपकी कि जो अर्निंग्स इंक्रीज होनी चाहिए आपके इंक्रीज। सो इन 1st ईयर अवर इफ अर्निंग्स इंक्रीज बाई 13% देन वेस्टिंग पीरियड विल बी 1 ईयर। तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे 1st ईयर में। इफ अर्निंग्स इंक्रीज बाई 21% ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फिर आपका वेस्टिंग पीरियड है 2 ईयर्स। इफ अर्निंग दोनों के इंक्रीज बाय 21% देन इट मस्ट इंक्रीज बाय 23%। अब आपको इनको मेंशन किया है कि वट इज अवर एक्चुअल इन अर्निंग्स। तो इन 1st ईयर एक गिवन गया तो अवर अर्निंग्स है इंक्रीज बाय 9%, बट वी एक्सपेक्ट गैट शेयर विल वेस्ट इन 2nd ईयर। तो इट मीन्स वट इज अवर वेस्टिंग पीरियड। तो 1st ईयर के अंक में आपका एस्टिमेशन रिवाइज हो गया है, अर्निंग्स आपको नहीं मिली है, को पहले साल में कोई वेस्ट हो गए नहीं, बट वी एक्सपेक्ट दैट 2nd ईयर में आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो इट मीन्स शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। सो वेस्टिंग पीरियड जो है आपका ये है 2 ईयर्स इन 1st ईयर। फिर अब आपको देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैंशन किए हैं, वट आर एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव लेफ्ट, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज।
सो हु हैव मी लेफ्ट। फिर एक आपको मेंशन किया कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कितने एम्प्लॉइज हैं, हु मे लेफ्ट, जैसे एक्चुअल नंबर एंड एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज हु मे लेफ्ट इन फ्यूचर। अब ये टोटल जो एम्प्लॉइज आपको मेंशन किए हैं दीज आर 300। वो फर्स्ट ईयर के केस में आपको मेंशन किए हैं 20 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, 20 एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी लेफ्ट एंड वी एक्सपेक्ट डेट। अब शेयर्स आपके वेस्ट होंगे सेकेंड ईयर में एंड कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट डेट एडिशनल 30 एम्प्लॉइज मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टिंग है आपकी 30। तो इट मीन्स फर्स्ट ईयर के आएंगे एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉइज है आपके 300 माइनस 20 माइनस 30 250। तो वट आर एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज एट एंड ऑफ ईयर, दिस विल बी 250। तो अब देखते हैं सेकेंड ईयर आ गया आपका। सेकेंड ईयर में आपको मेंशन किया है कंपनी अर्निंग्स आपकी इंक्रीज हो गए 19%, तो ये 9 से आपकी हो रही है 19%, लेकिन 21% अचीव नहीं हुई है। तो अब आपको फर्दर मेंशन किया है देयर फॉर शेयर डिड नॉट वेस्ट बट ओनली 20 एम्प्लॉइज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड कंपनी बिलीव्स दैट एडिशनल 25 एम्प्लॉइज विल लीव इन थर्ड ईयर एंड अर्निंग्स विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस टारगेट इन थर्ड ईयर। तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी थर्ड ईयर में, तो इट मीन्स अब आपका वेस्टिंग पीरियड बन जाएगा सेकेंड ईयर के एस्टिमेशन में एंड में 3 ईयर्स। नंबर का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट दीज आर 20 और जो एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉइज हैं हु मे लेफ्ट इन फ्यूचर, तो किसी गिवन को भी 25। बट आपकी अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हुई है अभी 21%, इट मीन्स तो अभी आपका वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज हो गया है आपको 3 ईयर। तो फाइनली आता है आपका थर्ड ईयर, उसमें मेंशन गया है 22 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट और परफॉर्मेंस टारगेट आपका अचीव हो गया है, अर्निंग्स का टारगेट हमें अचीव हो गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुआ लेफ्ट दिस इज गिवन 22। अब थर्ड ईयर आपका लास्ट ईयर है, तो अब आपको डिटर्मिन करना है वर्किंग एवर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। तो स्टार्ट करके हैं नंबर फर्स्ट ईयर में देखिए वट विल बी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपको PNL में चार्ज करना है ईच ईयर, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा अब आपके पास मेंशन किया है एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज हैं 250, नंबर ऑफ शेयर्स आपने गिने हैं उनको 100 शेयर्स टू ईच एम्प्लॉय और वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको मेंशन किया है एक्ट या डेको ग्राम जिसे 125 इनको 125 और आपका वेस्टिंग पीरियड है 2 ईयर्स, सो इनको कर लीजिए आप 1/2, सो दिस विल बी अवर एक्सपेंस 250 इनको 100 इनको 125 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस अमाउंट इज 1562 500। तो ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बन जाएगा। तो लेकिन MCQ 1 में किसी MCQ नंबर 1 हाउ मच इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर, यू कैन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सो हेयर आंसर इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड MCQ डिटरमिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर। तो आप देखते हैं सेकेंड ईयर में अब आपके कितने एम्प्लॉइज रह गए हैं, अब आपके देखो 20 एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर, इट मीन्स 300 माइनस 20 एम्प्लॉइज रह जाएंगे आपके 300 माइनस 20 हैव ऑलरेडी लेफ्ट, 20 आर लेफ्ट इन सेकेंड ईयर और एक्सपेक्टेड ईयर जो आपके एम्प्लॉइज छोड़ कर जाएंगे थर्ड ईयर में जिसे 25। तो इतने सब आपके एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज हैं 300 माइनस 65 जिसे 235, तो इनको आपने 100 शेयर से अलॉट करने हैं, सो दिस विल बी नाउ 235 इनको 100 इनको 125। अब आपका वेस्टिंग पीरियड अगर आपका रिवाइज हो गया 3 ईयर्स, तो आपको अब टू सेकेंड ईयर 2 साल का जो हो कितना एक्सपेंस बनेगा इनको 2/3, सो इट विल बी 235 100 इनको 125 इनको 2/3, सो दिस अमाउंट इज अवर 1958 333। अब उसमें से आप माइनस कर लीजिए जितना एक्सपेंस आपने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया है 1562 500, बैलेंस विल बी एक्सपेंस फॉर अवर सेकेंड ईयर। ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर सेकेंड ईयर एक्सपेंस माइनस 1562 500, तो दिस अमाउंट के लिए 395 833 अमाउंट से आप आपके रुपीज में। तो नाउ यू कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज सेकेंड MCQ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
So next we have third MCQ. We have to determine employee benefit expense for third year. तो आप देखिए थर्ड ईयर में कितने एम्प्लाइज रह गए हैं। टोटल 300 एम्प्लाइज थे आपके, माइनस 20 लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर, 20 लेफ्ट इन सेकंड ईयर, 22 लेफ्ट इन थर्ड ईयर। अब आपके जो टोटल एम्प्लाइज हैं जैसे 300 माइनस 62, 238 कौन का अमाउंट बन जाएगा, उनको आपने अब शेयर इशू करने हैं 238 इंटू 100 एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन 125। तो दिस विल बी टोटल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, जिसे 238 इंटू 125 2975, इसमें से माइनस कर दीजिए आप जितना एक्सपेंस आप ऑलरेडी रिकॉगनाइज कर चुके हैं। अब टू सेकंड ईयर, अब टू सेकंड ईयर है 1562 500 प्लस 395 830, टोटल है 1958 333। तो बैलेंस आपका एक्सपेंस आ जाएगा फोर थर्ड ईयर, तो माइनस है 1958 333। तो जिसे 1016 667 अमाउंट है आपका रुपीज़ है। नाउ यू कैन सी रिच ऑप्शन करेक्ट आंसर इज दिस इज अवर थर्ड एम सी क्यू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इन दिस लेक्चर वी डिड यू केस सिनेरियो बेस्ड ऑन इन केस 102 वेयर वी डिस्कस टॉपिक ऑफ ऑप्शन विद इन नॉन मार्केट कंडीशन एंड मार्केट नॉन मार्केट कंडीशन वाज अवर इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो फर्दर कॉपीज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।